ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट आज से दो दिन के भारत दौरे पर। टोनी अबॉट ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने गुरुवार को मुंबई में नई कोलंबो योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के छात्र एक दूसरे के यहाँ आसानी से दाखिला ले सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के आवास पर आगंतुकों की सूची से जुड़े दस्तावेजों को शपथ पत्र के साथ जमा कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने रंजीत सिन्हा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आगंतुकों की सूची की जानकारी मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगाने की अपील की थी। बीजेपी ने रंजीत सिन्हा पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि सीबीआई निदेशक पर प्रशांत भूषण द्वारा लगाए गए आरोपों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से उस पर उचित कार्रवाई करेगा। शिक्षक दिवस पर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षक एक व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन धर्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षक को समय से दो कदम आगे रहना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को नियुक्त किया गया केरल का राज्यपाल। विपक्षी दलों ने की फैसले की आलोचना। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही, 30 गांव डूबे। सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी सहित 8 की मौत। प्रशासन ने जम्मू इलाके के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन और बचाव दल की एक दर्जन से ज्यादा टीमों को लगाया। बाजार में सतत पूंजी प्रवाह और निर्यातकों व बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली बढ़ाए जाने से आज अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 60.47 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। कल डॉलर की तुलना में रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 60.49 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 74 अंक की गिरावट के साथ 27,066 पर खुला। निफ्टी भी 26 अंक नीचे 8,089 पर खुला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक दल स्थिति के समाधान के लिए संभावनाओं पर करेंगे चर्चा। संसद के समर्थन से नवाज शरीफ की स्थिति हुई मजबूत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में शांति के लिए एक 7 सूत्री योजना की घोषणा की। पुतिन का कहना है कि शुक्रवार को प्रस्तावित मीटिंग में विरोधी गुट द्वारा भी इस प्लान को सहमति मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी पत्रकार सॉटलॉफ का सर कलम किए जाने की घटना से उनका देश भयभीत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ अमेरिका को एकजुट करेंगी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के मिश्रित वर्ग के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल मुकाबले में ब्राजील की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर खिताबी मुकाबले में किया प्रवेश। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी की आज 189वीं जयंती। नौरोजी दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।